नमस्ते किसान भाई, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल देसी खेती नॉलेज में। आज हम बात करेंगे बागवानी में मिश्रित खेती कैसे करें। तो किसान भाई, आप देख पा रहेंगे इस वीडियो में किसान भाई ने अनार के पौधे और साथ में धनिया की फसल भी बो रखी है, और ये अनार के पौधे 2 साल के हो चुके हैं और इनके फूल आना स्टार्ट हो चुके हैं, और इनके के साथ धनिया की फसल बो रखी है हमने। तो किसान भाइयों, ये हमारे सीताफल की पौधे हैं, इसके साथ लहसुन की फसल लगा रखी है जैसे कि आप देख पा रहे हो इस वीडियो में, और ये लहसुन की फसल पक चुकी है और अब इनको निकालने वाले हैं हम। उसके बाद सीताफल के पौधे रह जाएंगे, इससे हमने ड्रिप लगा रखी है इसके अंदर, जो ड्रिप से पानी देंगे सीताफल के पौधों को। तो किसान भाई, इसके बोने की बात करें तो हमने एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी 6 फीट की रखी हुई है और उसकी चौड़ाई 10 फीट की रखी हुई है, जिसमें 6 फीट के अंदर तो ट्रैक्टर आसानी से जा सकता है और उसमें क्यारी डाल सकते हैं। उसके बाद पौधों के पास 3-3 फीट की दूरी रह जाती है जिससे कि पौधों की जड़ें नहीं कटें। तो किसान भाइयों, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दें।